का पुनः स्वागत है। आज की सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण सीरीज को आगे पढ़ेंगे, जहां पर विस्तृत व्याख्या एनसीईआरटी की निचोड़ आपके लेकर आए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि विश्व भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सामान्य ज्ञान की सीरीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ से प्रायः आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। तो बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी साथी जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसे नोट डाउन करते चलेगा, उसे नोट्स के रूप में बनाते चलेगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। आपके सामने डिस्प्ले पर प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कहां अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जल्दी बताइए, कांगो घाटी, गंगा घाटी, वांगो घाटी, मरेडाली घाटी, जल्दी बताइए फटाफट आप लोग, जल्दी नहीं बताइए आप लोग, जल्दी नहीं फटाफट कमेंट करके। निम्नलिखित में कहां अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? कांगो गंगा, वांगो घाटी, मरेडाली घाटी, कहां पर? देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। जो भी छात्र वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए इस प्रश्न का जवाब ज्यादातर लोगों ने देना शुरू किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिलेक्शन के और नजदीक जाएंगे। जी हाँ, बस अपना बेस्ट देते रहिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका, जो सही जवाब होगा वह होगा ए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कांगो घाटी, क्योंकि हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर कांगो घाटी विश्व की एक ऐसी नदी है जो 0 डिग्री को 2 बार काटती है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए हम लोग, जो कांगो नदी है जो 0 डिग्री को 2 बार काटती, मतलब कांगो नदी भूमध्य रेखा को, एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, रेखा को 2 बार काटती है, एक प्रश्न तैयार हो गया होगा। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी, यह अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी बात याद रखिएगा कि कांगो घाटी में अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं, यह घाटी भूमध्य रेखा पर स्थित है, यहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ अत्यधिक घने तथा ऊंचे होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए है। मरेडाली घाटी कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ठीक है। जी हाँ, इस प्रश्न का अगर सही उत्तर अगर देखा जाए, कांगो घाटी कहाँ पे बताइएगा, मरेडाली घाटी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, जो परीक्षा के लायक है, कि टार्नेडो बहुत प्रबल ऊंच कड़वंदी चक्रवात है जो कहाँ पर उड़ते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ साथियों, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं हम लोग, टार्नेडो बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में या श्याम सागर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग फटाफट जितना ज्यादा हो सके अपने वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पूरे HD में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देते हैं कि जो ध्यान देना होगा आप सभी को कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो कैरिबियन सागर होगा, माने ए इस प्रश्न का सही जवाब। आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय तूफान है, ये ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी इलाकों में, इस तूफान को हम टार्नेडो कहते हैं। कहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टार्नेडो है यह कहाँ पे तूफान ऑस्ट्रेलिया एवं USA के मिसिसिपी इलाके तक में, इस तूफान को टार्नेडो कहा जाता है। ये जल थल दोनों में उत्पन्न होता है, इसमें स्थलीय हवाओं का जो वेग होता है लगभग 325 किलोमीटर प्रति हावर्स इसकी चाल होती है। ये कैरिबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके।
यहाँ पे और चीज़ हम आपको बताएंगे, जो टाइफून है ये प्रशांत महासागर में उठने वाला तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रांगड़ी चक्रवाती तूफान है। टाइफून, अगर टाइफून की बात की जाए तो टाइफून कहाँ चलता है? प्रशांत महासागर, और ये चीन सागर में भी चलता है, महासागर में। ठीक है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइए। सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी, थार, क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए यार, वीडियो को शेयर करिए, पैसे नहीं लगते हैं, बताइए। चलिए, यहाँ पे ध्यान देना होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका? थार का मरुस्थल। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा थार का मरुस्थल। इसके बारे में हमने पहले चर्चा के लिए, थार का जो मरुस्थल है यह लगभग 260 किमी स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह भारत और पाकिस्तान पर स्थित है। अगर अटाकामा की बात की जाए, अटाकामा तो ये कहाँ पर है आपका? चिली में है, उत्तरी चिली में है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, और कोलोराडो की बात की जाए तो यूएसए का है, ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और कालाहारी की बात की जाए तो ये बोत्सवाना में है। कहाँ पे है? बोत्सवाना में। ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप की है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, और ये एशिया की है, एशिया में है। तो इतना चीज जो था वो मैंने आप सभी को स्पष्ट रूप से व्याख्या करके बता दिया। ठीक है, समझिए सब लोग, आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पौधों की जड़ें लंबी होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा यार, वीडियो को शेयर करिए, बार बार कहना पड़ रहा है, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तो पूछाइए। मरुस्थली पौधों की जड़ें लंबी होती क्योंकि, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि भैया क्या ऐसा कारण है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, अगर व्याख्या नहीं करेंगे तो प्रश्न पढ़ने का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसकी व्याख्या सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, भूमि पानी नहीं होता था, यह सख्त होकर जड़ पर दबाव है जिसमें लंबी होती है, जड़ें सूर्य गर्मी विपरीत दिशा में चलती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। जड़ की यह विशेषता होती है, यह पौधों के लिए जल संभरण का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थली क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण जल की खोज में जड़ें जो होती हैं काफी नीचे तक जाती हैं। इसलिए ऐसे पेड़ पौधों को हम जीरो फाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो फाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे जीरो फाइट कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण चीज है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, इसलिए मातोत्सर्जन नहीं होती, इनकी पत्तियां भी छोटी होती हैं, ये बात आप लोग भली भांति जानते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, वायुमंडल में ओजोन परत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, उन सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, बताइए जल्दी कमेंट करके। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। ये वर्षा करती है, प्रदूषण कम करती है। देखिए, वायुमंडल में जो ओजोन परत है
ये परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी है। परावैज्ञानिक विकिरण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती हैं, और यह वायुमंडल के समताप मंडल में, किस मंडल में, यह समताप मंडल में है। कहाँ पे है? समताप मंडल में है, ठीक है। और यह अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषण कर लेती हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण ओजोन पर लगातार क्षय हो रहा है, जो मानव जीवन के लिए अच्छे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ परावैज्ञानिक किरणें के कारण सबसे अधिक चर्मरोगी हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा चर्मरोगी इसी के कारण है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, कल का ही प्रश्न है और हमने कई बार रिपीट किया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, शुक्र ग्रह होगा, ठीक है। शुक्र ग्रह की विशेषता आप लोग को बताया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण इस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, सुखवा, पृथ्वी की भगनी आदि नामों से जाना जाता है। प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी इसे कहते हैं। अगला सवाल आपके बीच, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बताइएगा। यह क्वेश्चन हमने बताया है सभी लोग को, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। देखिए, यहाँ इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, याद रहे हमेशा, उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, देखिए 12 घंटे का दिन व रात तभी होगा जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, अर्थात जब यह 0 डिग्री पर सीधी पड़ेंगी। एकदम रट लीजिएगा, जान लीजिएगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात तभी होगी अगर कर्क रेखा पर पड़ेगा तो 13 घंटे 20 मिनट का दिन होगा और 10 घंटे 40 मिनट की रात होगी। यह बात आप लोग जान लीजिएगा, सभी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है और काफी यूनिक चीज है जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, ठीक है। यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तो पहुंचा दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, काफी महत्वपूर्ण सीरीज है आप सभी के लिए। और विश्व भूगोल एक ऐसा, एनसीईआरटी का ये निचोड़ ऐसा है जो आपकी परीक्षा में जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। यह स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 2 दिन होती है। यह एक तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च को जब होगी, 21 मार्च को होती है, दूसरा 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च को बसंत विषु कहते हैं, शरद विषु 23 सितंबर को कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जब आएगा 21 मार्च होगा। यह आप लोग को जो ऑनलाइन क्लास की सीरीज हमने पढ़ाई है, विश्व भूगोल की सीरीज जो हमने पढ़ाई है, वहां पर हमने डायग्राम बनाकर स्पष्ट रूप से बताया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में जाने को हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। जी हाँ, प्रश्न आजकल घुमा कर पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कर्क संक्रांति देखते ही इस प्रश्न का उत्तर ए लगा देते हैं, जो गलत है। 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात केवल केवल 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर ही होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर आप लोग भली भांति जान लीजिएगा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा, गलती मत करिएगा। अगला, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ पे है? अभी हम लोगों ने इस प्रश्न के बारे में ऊपर चर्चा किया। ओजोन एक गैस है। ओजोन क्या है? गैस है। ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला O3 है, तो ठीक है। तब जल्दी से बताइए, जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, बताइए इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अगर ओजोन की बात की, ओजोन गैस की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन ने किया था। ओजोन की घटात्मक संकल्पना सबसे पहले चैपमैन ने शुरू किया था और इसकी पहली क्षय का पता सबसे पहले कौन लगाया था? ब्रिटेन के फोरमैन ने लगाया था। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल में। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है स्ट्रेटोस्फीयर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, सी वालों का जवाब पूरी तरह से राइट है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है, बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा पूछा जाता है। देखिए, ये सीरीज हमने पढ़ाया है,
सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं। जल्दी जल्दी कमेंट करें बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चलिए। वरमुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर यह एक ऐसा विवाद बना है जो आज तक क्लियर नहीं हो पाया, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यहां पर वरमुंडा का त्रिभुजाकार क्षेत्र को फ्लोरिडा, प्यूटोरिका एवं बरमुंडा नामक द्वीप के मध्य में स्थित है, इसलिए यह त्रिभुजाकार बनाता है, इसलिए इसको बरमुंडा त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज वायुयान के गायब होने की कई घटनाएं दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। इसका वैज्ञानिक कारण अभी तक ठोस कारण पता नहीं लगाया जा सका है, ठीक है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कथन निष्कर्ष का, ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा यार। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उतने लोगों ने लाइक तक नहीं किया है, पैसे नहीं कटेंगे। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन से मेरे द्वारा निःशुल्क लाइव आप सभी के लिए चल रहा है। देखिए यहाँ पर वायुमंडल में अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होती है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों से परिणित होती है। ये कठिन प्रश्न है और यह एनसीईआरटी कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, देखिए वायुमंडल में अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होती है। सूर्य की ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसे हम सूर्यातप या इंसुलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वायुमंडल गर्म नहीं होता। सूर्यातप प्राप्त करने के बाद पृथ्वी इस ऊष्मा को वातावरण से लगातार प्रक्षेपित करती रहती है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। मतलब ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या है, माने इस प्रश्न का उत्तर ए राइट है, ए सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। यार शेयर करने के पैसे नहीं लगते, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। ये महाभारत सीरीज समान धन में विश्व भूगोल की एक ऐसी सीरीज है जिसका संबंध सीधा सीधा आपके परीक्षा से है। बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। अगला, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा दोपहर के सूर्य का उन्तांश क्या होता है? जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे निकालते हैं। ये हो गया हमारी पृथ्वी, थोड़ा गोला कम सही से नहीं बना है, और ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया आपका 23 सही 1/2 डिग्री साउथ। इसे कहते हैं मकर रेखा या मकर वृत्त के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, कितना 23 सही 1/2 पे, ठीक है। लेकिन पृथ्वी झुकी होती है तो सूर्य का जो उन्तांश कोण होता है वो 90 में से हम घटा देंगे, तो क्या आएगा 66 सही 1/2 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर होगा क्या होगा, 66 सही 1/2। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों भी अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी की गति को परिक्रमा या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। इसी से दिन और रात होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है, यह आपका जो निकलेगा ये सूर्य का उन्तांश कोण निकलेगा, क्या होगा यह सूर्य का, लिख लीजिएगा, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। ठीक है, ये कितना होगा 66.5, ठीक है, क्लियर। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा,
उन्तांश का मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी का झुकाव होता है, वास्तविक झुकाव, और सूर्य किरणों के बाद जो सूर्य के जैसे किरण जो है वो सूर्य किरण सीधी इस पर पड़ रही हैं, लेकिन जब सूर्य की परिप्रेक्ष्य देखेंगे यहाँ से 90 डिग्री कर देंगे तो ये 23.5 डिग्री जो है घट जाएगा। मतलब ऐसे सीधा मान के देखिएगा, ये पूरी 90 डिग्री थी, ठीक है। अब सूर्य यहाँ पे चमक रहा था तो यह कोण कितना बना, सूर्य से कितना कोण बना, तो ये 90 में से ये वाला कोण निकाल देंगे, कितना 23 से ही 1/2 निकाल देंगे तो 66.5 ही ना बचेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो चौथा या डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, संसार का सबसे आदतम स्थान क्या है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी साथी जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करिए। देखिए गलती यहां पे कर लीजिएगा, लेकिन परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। दुनिया का सबसे आदतम स्थान मासिन राम है। कहा मासिन राम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और एक बात याद रखिएगा, यह मेघालय में है। कहां पे है ये? मेघालय राज्य में है। मेघालय की सीमा कितने राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, 11,873 mm प्रति ईयर वर्षा होती है। इसके पहले चेरापूंजी थी कब, 1997 तक। जब जलवाष्प युक्त वायु ऊपर उठती है तो तापमान में कमी आने से उसका संघनन होने लगता है, इस कारण बादलों का निर्माण होता है। कुछ समय बाद बादलों से जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और वायुमंडल में संभाल नहीं पाती, फलस्वरूप वर्षा के रूप में बरस पड़ती है, ठीक है। अब देखिए 2014 से मासिन राम है, 2014 से मासिन राम, ठीक, क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। या जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उतने साथी मित्रों तक तो पहुंचा सकते हैं, या उनके भी पैसे कटेंगे। चलिए तो आज ही हम लोग, जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे बेस्ट देंगे अपना, बताइए। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, ग्लोब पर किसी दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। फटाफट कमेंट करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा वाला सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ग्लोब पर दो स्थान के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी का है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आइए इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले तो स्पष्ट रूप से जो परीक्षा में सवाल आते हैं, यहाँ पर ये जो 0 डिग्री है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है इसलिए ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होने के कारण यहाँ ग्लोब के दो स्थानों की दूरी न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। कहाँ, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, जबकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है, 180 डिग्री है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे तिथियों का विभाजन रेखा कहते हैं। यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और यह 8 बार मुड़ाव है। इसमें कितनी 8 बार मुड़ाव है, ये हमने क्लास में पढ़ाया, अगर आप लोगों ने इलेनी दुर्गेश में पढ़ा होगा तो वहां पर आप जानते होंगे 8 बार मुड़ाव है। क्यों मुड़ाव है ये हमने ऑनलाइन वाले क्लास में आप लोग को पढ़ाया है, आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा। 45° उत्तरी 45° दक्षिणी अक्षांश रेखा उत्तरी दक्षिणी मध्यान रेखा कहलाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है सी होगा। मैं दोबारा बता दूं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होने के कारण यहाँ ग्लोब को दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है, इसलिए हम इसे
सी प्रधान मध्यालेखा कहते हैं। चलिए देखिए भैया, बैकग्राउंड जो है आपको इसी में पढ़ना होगा कि एक क्वेश्चन टाइप हो चुका है। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात याद है कि आजकल ट्रेंडिंग वाले सवाल हैं, किसका इसमें जोड़ा सही मिलान नहीं है। देखिए ब्राजील की जो धारा है, धारा को करंट कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? करंट। और आपको पता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके यहाँ नौकायान चल पाती है, उनके यहाँ खाने के लिए सामग्री मिल पाती है, उसका कारण धाराएं ही हैं। और कुछ के कारण हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइटैनिक जहाज डूब गया, तो आपको जानकर हैरानी होगी टाइटैनिक जहाज को भी डूबने पर एक धारा का ही हाथ था। उस धारा के साथ साथ एक आइसबर्ग आता है, आइसबर्ग के टकराने से आपका जो टाइटैनिक जहाज है वो धराशायी हुआ था। तो ये अटलांटिक महासागर की धारा है, सही बात। जो ब्राजील की धारा है अटलांटिक महासागर की धारा है। अटलांटिक महासागर को हम आंध्र महासागर भी कहते हैं, ये यस आकार का है, आंध्र महासागर भी कहते हैं। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो याद रखिएगा कि हम्बोल्ट की धारा को पेरू की धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट की धारा को हम क्या कहते हैं? पेरू की धारा कहते हैं। ये एक ठंडी धारा है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, यहाँ पे गलत है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के कारण के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और ठंडी धारा है पेरू की धारा, हम्बोल की धारा। इस धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, कहाँ से? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से। एक बात मैं आपको ध्यान से समझा दूं, ये जैसे ग्लोब है, पूरी बात एकदम समझ जाएंगे, धारा को कभी भूलेंगे ही नहीं। ये हो गया 0 डिग्री। जिस धारा का जन्म भूमध्य रेखा से होता है वह गर्म होती है। अब जिन धारा, जैसे ये प्लस मान लेते हैं, और जिन धारा का जन्म ध्रुवों से होता है वो होती हैं ठंडी धारा। ये बात याद रखिएगा, सीधी सी बात है, जो बर्फ की तरफ से हवा आएगी गर्म नहीं होगी ना, और जो भूमध्य रेखा से जन्म लेगी वो तो सीधी सी बात है, वो क्या होगी? गर्म होगी। माने ठंडी क्या होगी? बर्फ के साइड से आएगी तो गर्म ठंडी, और ठंडे के साइड से आएगी तो, जैसे अगर 0 डिग्री गर्म है, यहां से जो धारा जाएंगी भूमध्य रेखा के आसपास वो गर्म जल धारा होगी, लेकिन जो ध्रुवों से आएगी वो कैसी होगी? वो ठंडी होगी। ध्यान से देखिए, क्योंकि आप अब ये बताओ, आग के सामने से अगर गुजरोगे तो कैसा लगेगा? गर्मी लगेगी। और अगर आप बर्फ के पास से गुजरोगे तो वहां पे ठंडी लगेगी। यहाँ पे दोनों महा, यहाँ पे क्या पता है? ध्रुव है, और ध्रुव बर्फ से ढके हैं। तो ध्रुवों की तरफ से जिन धाराओं का जन्म होता है वे सभी धारा ठंडी धाराएं होती हैं, अपवादों को छोड़कर। क्लियर हो गया? और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो पेरू की धारा है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है, यहां से, या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी तो ठंडी धारा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम की धारा, इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये कई धाराओं का समूह है, और इसकी वजह से यूरोप के कई देशों के पत्तन अर्थात बंदरगाह खुले रहते हैं। अलगू हास की धारा हिंद महासागर की धारा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा वाले प्रश्न है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो गलत कौन सा? बी। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो इसका उत्तर यही है। क्लियर? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा आपका, बार बार आपको कह रहे लेकिन आप लोग तो मान ही नहीं रहे, पैसे नहीं लगेंगे आपके, बस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। अगला, लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? ये सवाल हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, उसी से मिलता जुलता सवाल दोबारा हमारे आपके सामने आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत जवाब देंगे, जरा सा भी समय नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो वैसे तो है वान झील, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वान झील कहाँ पे है? तुर्की में, लेकिन ये विकल्प में नहीं है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 330 ग्राम
एक हजार ग्राम है, प्रति लीटर कह सकते हैं, मतलब 330%। लेकिन इसके बाद अगर देखें इन विकल्प के आधार पर, तो यह मृत सागर होगा। ये मैंने पढ़ाते समय बताया था, क्योंकि लगभग यहाँ पर 230, किसी किसी किताब में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, अर्थात 238%, ये कह सकते हैं 230% यहाँ पे लवणता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प के आधार पर अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। हमने बताया था पढ़ाते समय हमारा सारा फोकस, हमारा जो सारा फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि हमारा प्रश्न जो दिया गया वो क्या है। कल का प्रश्न आज के प्रश्न में ये है, वो विकल्प में ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सी राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर बाल्टिक सागर की बात करें तो ये भी 200, अगर बाल्टिक सागर की बात करें तो यह भी लगभग 220 ग्राम है, मतलब 220% ही समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रति 1000 में है लवणता, ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। क्लियर। अब हम अगर कहें तो आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। काला सागर में, श्याम सागर को काला सागर कहते हैं, यहाँ पर 170 से 180 ग्राम है। श्याम सागर माने काला सागर है जी, काला सागर इसी को कहते हैं। अब सोचिए परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आएगा लोग घबरा जाएंगे, काला सागर को श्याम सागर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलिए अगला। अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से कहाँ पे सघन उष्णांध वन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे प्रश्नों को फेस करना होगा, ऐसे प्रश्नों का आपको जवाब देना सीखना होगा। अगर ऐसे प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो फिर रेस से बाहर हो जाएंगे, और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, क्लियर। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर बताइए जितने वीडियो को लाइक देख रहे हैं। यार ये ऐसे प्रश्न परीक्षा वाले हैं, मैंने आपसे पहले वादा किया था ऐसे प्रश्न हैं परीक्षा वाले। आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका संघ, ये रट लीजिएगा, भले मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को जान लीजिए, परीक्षा में आएगा तो क्या करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो है आइवरी कोस्ट। देखिए इस प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जलवायु प्रदेश होते हैं, यह अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये यह हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब से यहाँ पे मतलब 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य फैले हुए होते हैं। अफ्रीका के कांगो नदी घाटी तथा गिनी तट इस प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, जिसे हम आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए सही जवाब है, क्योंकि अगर ये पूछता तो कांगो नदी घाटी, अगर ऐसे प्रश्न आता, लेकिन लिख लीजिएगा ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ दे तब, ये होगा कांगो नदी घाटी, ऐसे वन पाए जाते हैं। गिनी के तट, गिनी के तट। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, अगर आपने ऑनलाइन क्लास से जुड़े होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखिए मैंने बताया था डॉक्टर हवा, डॉक्टर हवा क्या है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। हमने ऑनलाइन में पढ़ाया, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, आगे अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर जरूर पढ़ूंगा ये डॉक्टर हवा क्या है। इसका संबंध सीधा गिनी के तट से है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछ दिया। मतलब एक हवा के आने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसलिए उसे डॉक्टर हवा कहते हैं। तो इसका कारण आप लोग को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपका नोट्स भी बन जाए। ये ऐसा नोट्स है जो सिलेक्टेड प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? देखिएगा अगर हम भारत की बात करें, ये भ्रंश घाटी क्या होती है, आइए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, सभी लोग आज समझ जाएंगे ये भ्रंश घाटी होती ही क्या है। चलिए आज आप लोग ये जान लेंगे कि ये भ्रंश घाटी किस मूली का नाम है।
ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं ये भ्रंश घाटी क्या होती है। ये हो गया, मतलब ये दिख रहा है कि ये स्थान नीचे धस गया, इसी को कहते हैं रिफ्ट वैली, इसी कहते हैं रिफ्ट वैली। मेरी राइटिंग देखिए गड़बड़ है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ये हमारा आर है, आई रिफ्ट हो गया, ये वैली हो गया, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं और बता दूँ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे था, मान लीजिए या कोई आदमी था या आप ही थे, आप चले आए नीचे, अब यहाँ से अगर आप खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसे कहते हैं झूठा पर्वत। अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो पर्वत दिखेगा, इसे कहते हैं झूठा पर्वत, झूठा पर्वत। परीक्षा में प्रश्न आ चुका है यूपीएससी आईएएस में, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया इसे झूठा पर्वत कहते हैं। ये नीचे से देखने पर जैसे अगर अचानक यहाँ पे खड़े थे, ये जमीन धस गई, तो नीचे से आदमी ऊपर दिखेगा तो पर्वत दिखेगा, लेकिन वास्तव में पर्वत है नहीं, इसे हम झूठा पर्वत कहते हैं। इसमें से जो नदी बहती है उस भारत में देखा जाए, भारत में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी नदी है, ठीक है, अगर भारत में देखा जाए तो देखिए दामोदर है, नर्मदा है और ताप्ती, ये तीन नदियां हैं ये भारत की जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। ये दो अरब सागर में जाती हैं। अब ये दामोदर, दामोदर नदी जाके मिल जाती है गंगा नदी की जो एक उपशाखा बनती है कोलकाता जिस नदी किनारे बसा है, तो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है, यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। यार वीडियो को बार बार कह रहे हैं शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे, इससे बेहतर अगर YouTube पे कोई पढ़ा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरी NCERT के वो प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए ये हो गया राइन, राइन नदी को क्या क्या कहते हैं, अच्छा भारत की राइन नदी कौन है, भारत की राइन नदी कौन है कमेंट सेक्शन में जाके जवाब दीजिएगा, भारत की राइन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। और चलिए जैविक मरुस्थल कौन सी, इनमें से कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, तीन ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन बताना है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ राइन नदी के बारे में थोड़ी बातें आपसे बताना चाहूँगा। रिफ्ट घाटी लंबी संकरी परंतु अधिक गहरी होती है, राइन नदी रिफ्ट घाटी का प्रमुख उदाहरण है, ये बसेल तथा बिंजेल नगरों के बीच 230 किलोमीटर लंबी 32 किलोमीटर चौड़ाई में फैली है। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर की बेसिन में, दुनिया की सबसे लंबी अगर रिफ्ट घाटी की नदी पूछा जाए तो जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी सबसे लंबी कौन सी, भ्रंश घाटी की सबसे लंबी है। यह लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बेजी नदी घाटी लगभग 4800 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है, दुनिया का सबसे लंबा। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, इसे कोयला वाली नदी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस नदी में कोयला मिलता है, जब जहां पे कोयला है वहां पे हीरा भी मिलता है, तो हीरे वाली नदी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर हो गया, यार वीडियो को संख्या कम हो रही, पढ़ने की जगह कोई कमी है क्या पढ़ाने में, जरा कमेंट करके बताइए। डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे सिंधु, अच्छा आगे बताएंगे। देखिए इसकी विशेषता अमेजन नदी घाटी है, ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। वोल्गा नदी क्या है जल्दी से बताइएगा, ये यूरोप की सबसे प्रमुख नदी है, इसका एक कारण है। सिंधु नदी क्या है, इसका भी एक कारण है। सिंधु नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद अरब सागर में गिरती है पाकिस्तान होते हुए। पंचनद है सिंधु नदी से मिठानकोट में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा दिए गए प्रश्न का। सभी लोग देखिए टेलीग्राम जब सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डेली क्लास के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। देखिए यहां पर ठीक है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए।
अभी कुछ लोग को सिलेबस तक नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कहते हैं गुमराह मत करो, उनको खुद को सिलेबस नहीं पता है कि नदियां, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, महाद्वीप, प्रमुख जलधाराएं, ये पाठ्यक्रम में हैं विश्व भूगोल के। कहां कहां से नमूने आ जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए, एक तरह से आप देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्यों एक तरफ उत्तरी अटलांटिक महासागर के, अगर पश्चिम में इसके पूर्व में देखा जाए तो यूरोप है, और अगर इसके पश्चिम में देखा जाए तो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा। क्या मिलता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलता है। क्या आपने देखा? अपने दिमाग में माइंड बनाइए मैप। तो दो सर्वाधिक विकसित प्रदेश, मतलब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का कनाडा मान लेते हैं, कनाडा उत्तर में है ना, कनाडा सबसे उत्तरी महाद्वीप के उत्तर में कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा है। तो अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यस्त जलमार्ग है। दोनों ही रूटों पर बंदरगाह, पोताश्रय, इनकी सुविधा उपलब्ध है। उत्तरी अटलांटिक महासागर विदेशी व्यापार का संसार में सबसे ज्यादा व्यस्त है। ठीक है, क्लियर हो गया सब कॉन्सेप्ट? क्लियर? किसी के मन में कोई सवाल? क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर प्रश्न आ चुका है महासागर धाराओं से, जो परीक्षा दिए होंगे या पेपर पढ़े होंगे उनको पता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाद्वीप महासागर को मोटे मोटे अक्षरों में सिलेबस में लिखा है, ठीक है। चलिए, बेतार को तार का संपर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं चाहे तो सभी को व्याख्या कर सकता हूं। जैसे यहां पे मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, यहां पे आप घर पर बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, तो कैसे यहां तक क्लास पहुंच रही है भैया ये ऑनलाइन क्लास? यहां से पहले तो मेरे घर के टावर के पास जाती होगी, फिर ये सीधा सैटेलाइट पे जाती होगी। कहाँ पे? ये सीधा सैटेलाइट पे जाती होगी, फिर सैटेलाइट से आपके घर के टावर पे, फिर टावर से आपके पास आती होगी। ये सारा प्रक्रिया जो है इस तरह से होती है। तो ये जो आपका उपग्रह है, ये जो आपका उपग्रह है कृत्रिम, यही सारा काम करता है। और ये उपग्रह जिस मंडल में होता है उसी मंडल की बात कर रहा है। जैसे आप रेडियो चालू करते हैं, कहता है ये खबर, आप शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव से सुनते हैं, अचानक जब धूप रहती है तो बहुत साफ, लेकिन जब बारिश होती है, बादल गरजने लगते हैं, तो आपके टीवी और रेडियो का सिग्नल छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जो मौसम परिवर्तन होते हैं वे सारे कहां पर होते हैं? ट्रोपोस्पियर, क्षुभ मंडल में होते हैं, उसके ऊपर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है आयन मंडल, इसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। ये कहां पर होता है? ये आयन मंडल में होता है। जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं, चाहे मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे रेडियो हो, चाहे आप वायरलेस हो, माने जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं पूरी दुनिया की, वह आयनोस्फीयर में होती हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर को हम आयन मंडल कहते हैं। समझ में आया? तो यहां पर इसे ए बी सी डी, डी परत दीर्घ तरंगों के परावर्तित करती है, ई परत रेडियो की मध्यम लघु तरंगों धरातल परावर्तित करती है। जैसे अगर डी पूछ दिया जाए कि यहाँ पे डी परत, इसमें कई भागों में बांटा गया, डी है ये दीर्घ तरंगों के लिए है। ये कौन सी? दीर्घ तरंग। आप लोगों ने सुना होगा यह खबर, आप इतना मेगा हार्ट के लॉन्ग वेव पर सुन रहे हैं, यह समाचार वाराणसी केंद्र के शॉर्ट वेव पे प्रसारित। पहले आप जो रेडियो सुनते थे उसमें ये आता था। अगर लघु तरंग की बात की जाए तो ई परत है, ई पे लघु तरंग है, लघु तरंग। ये दो चीजें याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो यहां पे हमें इस बात को ध्यान देना होगा। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। हाँ, इसे दूर संचार मंडल मान लीजिए, ये दूर संचार मंडल है। इसका कारण भी है, क्योंकि इसके कारण ये है, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, आपको पता है कि पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इसके साथ साथ एक और फोर्स काम करता है जो पूरे पृथ्वी को कवच का काम करता है।
और इस आयनोमंडल के बाद का जो मंडल है सूर्य से आने वाली जो लपटें हैं यहाँ तक पहुँचने नहीं देता, जिसके कारण आयनोमंडल में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। वो आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे क्लास में तो इस पर हम और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, ये आपके सिलेबस के आधार पर क्लास चल रही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो। और ये मात्र 10 दिन में विश्व भूगोल की जो सीरीज आपके लिए महाभारत सीरीज है, वैसे 10 के 18 दिन में खत्म होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बागान कृषि के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अस्थिर, जी नहीं, ये कहाँ पे होते हैं उष्णकटिबंधीय जो मैदान होते हैं वो कहाँ होते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूँ ग्लोब पर। जो उष्णकटिबंधीय होते हैं, देखिए मेरी गोला वाला सही नहीं बन रहा है, माना ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण, तो ये आपका गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंड में पाए जाते हैं, ठीक है, हाँ यह बात आपका सही है। जैसे रबड़ वगैरह हो गए, ठीक है, रबड़ जो है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और ये अमेजन नदी घाटी में भी है, तो अमेजन बेसिन और जायरे की बेसिन में लगभग 99% रबड़ मिलता है, 99% रबड़। अमेजन बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु करमारों की कमी है, सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पर यह भी सही है। तो अगर यहाँ पे हम देखें अमेजन और जायरे को मिला दिया जाए, अमेजन प्लस जायरे घाटी को मिला दिया जाए तो लगभग 99% प्राकृतिक रबड़ होता है अकेले, इंपॉर्टेंट है आपके। इसका योगदान 1950 तक था, लेकिन अब 2% हो गया, ये पहले क्या था, 99% था, कब 1950 तक, लेकिन अब ये लगभग 2% हो गया वर्तमान में। वर्तमान में विश्व का 90% भाग दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ, थाईलैंड से, अब पूछा जाए तो थाईलैंड, इंडोनेशिया प्लस मलेशिया, कितना, 90% प्राकृतिक रबड़। इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, अर्थात क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया, समझ में आया आप लोग को, ये सारे काम को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए दूसरी बात, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ उत्पादन वृद्धि के कारण क्या क्या है आपको पता है। यहां पर एक सवाल मैं आपको बता दूं कि यहां से अचानक रबड़ यहां कैसे पहुंचा, इसका उत्तर बी है, पहले मैं बी बता दूं, इसका उत्तर बी है। आप कहेंगे सर यहां कैसे ट्रांसफर हुआ, क्या क्या कारण थे, यहां पे क्या हुआ, सस्ते श्रमिक मिले, भूमि सस्ती थी, अनुकूल मिट्टी थी, समुद्री परिवहन की सुविधा थी, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां थी, जिस कारण यहां से अमेजन जायरे घाटी से ट्रांसफर होकर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया चला गया, ठीक है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हमारे भी आँख खराब हो रहे, मेरी आँख में सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार मेरी क्लासेज हो रही हैं, आप लोग की जो ऑनलाइन क्लास है वहाँ भी मैंने पढ़ाया है, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो निःशुल्क शिक्षा देने पर भी मेरे आँख खराब हो रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो भैया आप लोग कैसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रश्न आ रहा है भारत में कहाँ, तो भारत में जहाँ पे समुद्र के किनारे उष्णकटिबंधीय जलवायु आपको मिल जाए ये बागान, वहां पर भारत में भी प्रकृति रबड़ पाए जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे केवल कुल मिलान करना है, चलिए मैं भी आपको मिलान करने में काफी मदद कर देता हूँ। कह रहा है कैलिफोर्निया की जो धारा है वो कैसी धारा है, जो कैलिफोर्निया, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, कैलिफोर्निया, देखिए कैलिफोर्निया उष्णकटिबंधीय, देखिए अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है ये, उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, यहाँ पे है शीत, बांग्लादेश में कैसा है बताइए, ये उष्ण मरुभूमि एक तरह से है, साइबेरिया क्या होगा, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं क्या है, जलवायु प्रकार हो गया, इसके बारे में और अच्छे से बता, देखिए अगर भूमध्य सागरीय की बात करें, ध्यान समझिएगा,
ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, जो भूमध्य सागर है ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो, मेरी बात और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। देखिए ऐसे महाद्वीप है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया बनाने में, मैं इसको और अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा भैया, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, जगह कम पड़ रहा है ना। ये पता क्या, मैं अफ्रीका बना रहा हूँ। ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो ये यूरोप हो गया, देखिए ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, चलिए सही से नहीं बन रहा है, ये यूरोप और ये अफ्रीका हो गया। जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, पूरी तरह से HD में एकदम साफ दिखेगा। देखिए ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है। दुनिया में जितने भी, यहाँ पर क्या है, जितने भी खट्टे फल है जैसे अंगूर, संतरा, जैतून, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। इस प्रकार के जलवायु में जैतून संतरे का सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार भूमध्य सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, भूमध्य सागर के दक्षिण किनारे, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, इन सभी दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब भूमध्य सागरी जो क्षेत्र है यहाँ पे खट्टे फल, रसदार फल मिलते हैं। कैसे फल? रसदार फल। और जब रसदार फल होंगे तो वहां से क्या बनेगा, खूब सारी बियर बनेगी, खूब सारा शराब बनेगा। ये आप लोग समझ रहे हैं ना, जहाँ खट्टे फल मिलेंगे बियर बनेगा, खूब क्या बनेगा, शराब बनेगा। तो ये चीजें आप लोग जानते रहिएगा। जिसके में साफ नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे तीन डॉट बिंदु पर क्लिक करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, चाहे से फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी दिख रहा हो, ठीक है, या आपका इंटरनेट स्लो होगा तभी। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा। बृहद ज्वार कब आता है, ये हमने कल की सीरीज में पढ़ाया था। देखिए जैसे यहाँ पे आपका हो गया सन, सन के साथ यहाँ पर हो गया आपका अर्थ। अब मून की दशाएं, अगर चंद्रमा यहाँ और चंद्रमा यहाँ है, मतलब जब ये मून हो गया आपका, ये मून हो गया, मतलब या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन हो, मतलब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में हो, तब दीर्घ ज्वार आता है। ये हमने पढ़ाया है, ये हमने आपको पूरी तरह से पढ़ाया है, सूर्य चंद्रमा, और जब समकोण पर होते हैं तब यहाँ पर लघु ज्वार आते हैं, यहाँ पर लघु ज्वार आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ए है। ये हमने आप सभी को पढ़ाया था, कल की सीरीज में हम डायग्राम बनाकर बताए थे। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखिए सूर्य हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा या तो यहाँ है, या तो ये स्थिति है या तो ये स्थिति है, तब लघु ज्वार होगा। तब क्या होगा? लघु ज्वार होगा। यह बात पूरी तरह से याद रखिएगा। इससे बेहतर अगर कहीं किसी चैनल पे पढ़ा दे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन से बढ़कर यह सीरीज नहीं है, यह वीडियो नहीं है, क्योंकि आपका और आपके परिवार का बस एक उम्मीद है, आपका सिलेक्शन, आपका चयन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला एक थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, और ये बड़ा भी प्रश्न है। वर्ष नए 1998 में नियोनिड उल्का दृष्टि थी, ये क्या था? आपने सुना होगा तारा टूटते हैं तो लोग मनौती मानते हैं, हमारे मेरा गर्लफ्रेंड मिल जाए, मेरा रू मिल जाए, मनौती पूरा हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं है। अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए तो उसमें 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। सूर्य एक तारा है, अगर तारे का एक टुकड़ा टूटेगा तो पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा रहेगा। पृथ्वी टूटेगा ना तो धस जाएगा, गायब हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी घर बैठे। यह क्लास
जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। देखिए यहाँ पे इस बारे में हम लोग बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तुला तारामंडल में घटने वाली घटना, जी नहीं, एक परिघटना जो 33 वर्षों में एक बार घटती है, सही बात, ठीक है। एक परिघटना जिसमें टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है, सही बात। ये टूटे तारों की परिघटना, ये भी सही बात है। मतलब ये रात में टूटे हुए तारे की भांति दिखते हैं लेकिन ये वास्तव में ठोस आकाशी पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से घर्षण कारण जलने लगते हैं और चमकीला प्रकाश निकलता है। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं जिसमें लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थ की प्रधानता होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह डी होगा। डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। इसमें पूछा जाता है क्या मिलता है, तो लोहा और निकेल, लोहा प्लस निकेल, एकदम रट लीजिएगा। लोहा को फेरस कहते हैं, अगर परीक्षा में आ जाए फेरस प्लस निकिल तो लगा दीजिएगा क्योंकि दोनों एक ही है, क्योंकि लोहा को ही फेरस कहते हैं, ठीक है। ये बात जानते रहिएगा यार, इतनी कम संख्या है, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हैं यार, लोगों तक तो पहुँचाइए, चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, तुरंत शेयर करिए, पैसा नहीं कटेगा आपका, अच्छी चीज़ें लोगों तक तो पहुँचाइए। अगर आपका आत्मा संतुष्ट हो जाए वास्तव में वो सीरीज पढ़ाई जा रही जो परीक्षा में आते हैं। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है यह भी हमने पढ़ाया है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें वे दो ग्रह कौन से, मेरी निःशुल्क क्लास आप लोग देखिए, ये हमने पढ़ाया है। वो कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो वो दोनों ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। ये रटने वाले प्रश्न हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ये कक्षा 6 के एनसीईआरटी मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो क्लास 6 में है, लेसन फर्स्ट, लेसन फर्स्ट में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। ये पूरी एनसीईआरटी में है लेकिन आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है, जितना से पढ़ाया मैंने पूरा एनसीईआरटी में है। कौन सा जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, संयोजी की बात किया, ठीक है, वैसे भूमध्य सागर भी होता, अगर सागर पूछता इसका उत्तर भूमध्य सागर होता, लेकिन यहां पे जल संधि पूछा। संयोजी को मतलब क्या होता है, जल संधि, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम जो है वो जल संधि है, ये जल सागर पूछता भूमध्य सागर होता, इसलिए इसका उत्तर होगा जिब्राल्टर, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यह जल संधि यूरोप स्पेन एवं अफ्रीका को मोरक्को के बीच है, यूरोप स्पेन एवं अफ्रीका को मोरक्को के बीच स्थित है, इस पर हॉलैंड का अधिकार है। इस वास जल संधि, अगर हम वास, यह जिब्राल्टर होगा, इसका उत्तर पहले बी होगा। आइए अब हम और आगे बात करते हैं, अगर हम वास्परेश जल संधि कहते हैं तो ये वासा परेश जो है ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। देखिए ये लिख लीजिएगा, ये काला सागर प्लस मरमरा सागर, लिख लीजिएगा, मरमरा सागर को जोड़ती है, ये तुर्की में है, ये कहाँ पर है, तुर्की में है। अगर हम डोपर की बात करें कि डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किसको जोड़ती है, ये फ्रांस इंग्लैंड के बीच है, कहाँ पर, डोवर जो है फ्रांस व इंग्लैंड के बीच है। बैरिंग जल संधि ये रूस एवं अमेरिका के बीच है, ये रूस प्लस रूस व अमेरिका के बीच है। हमने पहले बताया अगर इससे बेहतर कोई पढ़ा दे, अलास्का, अलास्का प्रांत के बीच है, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर वास, देखिए वास जल संधि, यहाँ देखिए वासा परेश है, एक वास भी होता है, वास जल संधि भी होता है। आप लोग ने अगर कभी पढ़ाओ कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ लेकिन जल्दी किताबों में नहीं मिलता। ये ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के बीच, ये है ऑस्ट्रेलिया व, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप कन्फ्यूजन आपके मन में आ जाए, ये तस्मानिया। ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया कि
ये रट लीजिएगा, मतलब ये वास से ये दोनों अलग हैं, ये अलग अलग है, एक ही नहीं है। वासा परेश काला सागर मरमरा सागर तुर्की में जो है, ठीक है, लेकिन जो वास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है, ठीक है। ये बताइए कितने लोग को समझ में आ गया, कितने लोग ऐसे हैं जितने लोग को ये सीरीज समझ में आ गई जो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रही है तब तो बताइए। अरे बेरिंग में साफ साफ लिखा है यार, बेरिंग में है, रूस और अमेरिका, अमेरिका का अलास्का प्रांत, अलास्का प्रांत साफ साफ लिखा है, ठीक है। सबको समझ में आया, स्क्रीनशॉट क्लिक। मेरा उद्देश्य यह है कि चारों विकल्प, क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर ना आए, जितना मैं पढ़ा हूं उतना परीक्षा में आए, यह मेरा पहला और अंतिम टारगेट है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, दुनिया का सबसे ठंडा और दुनिया का सबसे गर्म क्या होगा, मैं दोनों पूछूंगा आपसे। विश्व का सबसे गर्म स्थान, अल अजीजिया, अल अजीजिया कहाँ पर है, लीबिया में, लीबिया ऐसे लिखा जाएगा क्या, लीबिया शायद, लीबिया ऐसे लिखा जाएगा ना, लीबिया एक बार मिला लीजिएगा। लीबिया कहाँ पर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया का सबसे गर्म स्थान, और ठंडा क्या होगा बताइए, मैंने गर्म तो बता दिया, ठंडा आप बताइए। हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट, आपका सिलेक्शन, आपका चयन है यार। निशुल्क क्लास हम लेकर आते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें और सिलेक्शन के नजदीक पहुंचे। देखिए राइटिंग पे मत जाइए यार, कॉन्सर्ट पे जाइए। अच्छा बरखो यांस, देखिए एक कमेंट आया है कि अब अल अजीजिया लीबिया नहीं रहा है, अब ये उत्तरी अमेरिका का डेथ वैली आ गया है। चलिए देख लीजिएगा, आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा सभी लोग। देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये टैंगा तुल जलवायु पाए जाते हैं, कहाँ पे, टैंगा तुल जलवायु में। ये जो वर्खो यांस है, ये साइबेरिया नामक स्थान पर, लगभग इसका तापमान अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, ये लगभग है आपका -67 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं कभी कभी होता -88 डिग्री सेल्सियस। बरखोयास ये साइबेरिया, ये रूस में साइबेरिया के अंतर्गत आता है, कहाँ पे आता है, साइबेरिया। एशिया, सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान, याद रखिए सियाचिन ये भारत का सबसे ठंडा है, भारत का सबसे ठंडा क्या है, सियाचिन। रट लीजिएगा, अगर भारत का पूछ दिया जाए तो क्या लगाएंगे, सियाचिन। भारत का सबसे ठंडा स्थान सियाचिन है, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। देखिए हैलीफैक्स क्या है, मैं हैलीफैक्स के बारे में बता दूं, ये कनाडा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, कनाडा के दक्षिण पूर्वी में हिस्से में है। शिकागो के बारे में बता दूं, ये अमेरिका के मिशिगन तट पर है, मिशिगन झील है, ये मिशिगन तट पर है, ये मिशिगन तट पर है शिकागो। शिकागो का संबंध किस भारतीय से है जो आज भी अमेरिका और भारत के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैंने चारों विकल्प की व्याख्या मैं जरूर चाहता हूँ कर दूँ ताकि आप और अच्छे से जान सकें। भारत का सियाचिन, भारत का सियाचिन है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्षयान मैगलन किस तरह के ग्रह भेजा गया था, किस तरह के ग्रह पर भेजा गया था, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके यार, आप लोग बताइए क्लास समझ में आ रही है, या कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। डेली टाइम पे लाइव आइए, अपने 10 साथियों को बताइए, वरना सीरीज को बंद कर देंगे हम, अगर आपको नहीं लग रहा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा मंगल ग्रह, ये 687 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है, और यहाँ पर जीवन के भी कयास लगाए जा रहे हैं, इसे लाल ग्रह कहते हैं।
आयरन ऑक्साइड का अधिकता कारण यह लाल होता है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना लगाई जाती है, और यह अत्यंत विरल, यहाँ की जो वायुमंडल है विरल है, और इसके दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। फोबोस व डीमोस उपग्रह पृथ्वी के पास, एक है चंद्रमा। तो ये यूएसए ने भेजा था, किसने भेजा था? यूएसए, नासा ने भेजा था। रोवर तथा स्पिट यान की मंगल की महत्वपूर्ण खोज के लिए भेजा गया था। इसके अलावा क्या क्या भेजा गया है? रोवर भेजा गया है, और क्या भेजा गया है? स्पिट यान भेजा गया है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, किसके लिए भेजा गया है? मंगल ग्रह के लिए। ठीक, चलिए आगे। निक्स ओलंपिया, हाँ, सबसे ऊंचा पर्वत भी है। देखिए एक दिन में 30 प्रश्न पढ़ेंगे, आज का 2800 प्रश्न आपके सामने है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बताइए। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर मंगल ग्रह, भी हम लोगों ने ऊपर बात किया, यहाँ पर भी जीवन की संभावना है। यहाँ पृथ्वी की तरह ऋतु बदलते हैं, पृथ्वी की तरह धुरी पर झुका भी है, इस सतह पर लाल ग्रह कहते हैं, इसके दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस हैं। यह मंगल से सूर्य की जो दूरी है वो 22.79 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो विषुवत रेखीय व्यास है वो 6761 किलोमीटर है, ठीक। मंगल का अगर देखें तो ये जो व्यास है ये 6761 किमी है व्यास, किसका? मंगल का, ठीक है। यह बात आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक। यार आप लोग इतना बेहतर पढ़ाने का सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन क्लास बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए किया जाता है, लगातार 1.5 घंटे तक की क्लास चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना कंटिन्यू। अपना जितना ज्ञान है मैं सोचता हूँ आप सभी को दे दूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कौन सा देशांतर प्रधान या मुत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? ये थोड़े से टेक्निकल प्रश्न है जहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है। न्यूनतम जो था वो यहाँ पे ये था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये 180 डिग्री जो है ये अधिकतम है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, इसे बृहद वृत्त का निर्माण होता है। बृहद वृत्त का निर्माण होता है, बृहद वृत्त का निर्माण होता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या मुत्तर कहते हैं, और ये 0 अक्षांश रेखा देशांतर को, 0 डिग्री अगर ये अक्षांश होता तब क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। ये है, ये भी एक बृहद वृत्त है, याद रखिएगा, ये भी एक बृहद वृत्त है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, इसे भी बृहद वृत्त कहते हैं, यह बृहद वृत्त कहलाता है, ठीक। अगली क्लास से केवल हम लाइव पढ़ाएंगे, बाद में वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा लाइव आके पढ़ने का, क्योंकि अगर आप लोग की संख्या कम रहती है, इतनी मेहनत किया जाता है, लेकिन आप लोग। चलिए आज का आखिरी सवाल है, यहाँ पे देश है किसके अधीन है कमेंट करके बताइए। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। संपूर्ण क्लास नोट्स आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। यह क्लास जौनपुर जनपद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलती है मेरे द्वारा, और आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। सभी क्लास की लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, साथ में नोट्स भी मिल जाएगी, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सरकारी नौकरी करनी है तो ऐसे भी क्लास को आप पढ़िए, उन क्लास को मत पढ़िए कि इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये है। मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, काफ़ी लंबा ये प्रश्न जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप है, क्रिसमस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है,
डेनमार्क अगर हम बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीनलैंड पर अधिकार है, ग्रीनलैंड के अलावा फेरो द्वीप पर ही अगर पूछ लिया जाए कि फेरो द्वीप पर किसका अधिकार है तो डेनमार्क का है। फ्रांस का, अगर फ्रांस का पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, सांता क्रूज या मार्टिनिक? जल्दी से बताइएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर फ्रांस का पूछेगा तो फ्रांस का क्या है, सांता क्रूज है। सांता क्रूज के अलावा गुलाडीलोप, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच गुयाना, रिपुइनियन, न्यूकेंडीडोनिया, सेंट पियरे, मिकिलोन, इस पर फ्रांस का अधिकार है। मार्टिनिक, स्पेन का अधिकार मार्टिनिक पर भी है। मार्टिनिक के अलावा बोबेट द्वीप है, वोवेट द्वीप पर इसका अधिकार है। पीतर, पीतर फर्स्ट द्वीप पर स्पेन का अधिकार है। किकी नाइडा द्वीप पर है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, किकी नाइडा लैंड पर भी स्पेन का अधिकार है, तो ये जरूर लिखिएगा। अच्छा फ्रांस का भी लिख लीजिए भैया, कुछ लोग कह रहे हैं सर फ्रांस का लिखवा दीजिए। देखिए फ्रांस में क्या है, मिकिलोन है, सेंट पियरे है, न्यू कैलिडोनिया है, गुआना फ्रेंच गुआना है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, गुलाडी लोप है। तो यहाँ पर हमने आपको स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ पर आज की जो क्लास थी वो स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। ठीक है, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया किस्मत। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। डेनमार्क पर किसका अधिकार है मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ग्रीनलैंड और फेरो द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर ऐसी क्लास आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगा यूट्यूब पर तो यार अच्छे लोगों को बताइए लोगों तक, नहीं तो फिर मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट करनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार होती है, एनसीईआरटी को निचोड़ना पड़ता है, और उसकी व्याख्या मान लीजिए मेरा तैयार है पहले से ही, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है व्यक्तिगत यूपीएससी के लिए, तो इसलिए मुझे ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको दिक्कत ना हो। ये ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सफलता दिलाई जाए। आपको नौकरी के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, तो आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा। तब तक मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता चलूंगा कि पूछें आपसे, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पर है, और जोग जलप्रपात का और एक नाम क्या है, जोग जलप्रपात का एक अन्य नाम क्या है, इसका जवाब। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो बताइएगा, क्योंकि अगर संख्या आपकी अच्छी रहेगी तो ठीक है, बी कंटिन्यू, वरना जय हिंद जय भारत। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। ये क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या होती है, पता है बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं केवल प्रश्न का उत्तर बताते चले जाते हैं, तो उत्तर ज़्यादा माने नहीं रखता, उसकी व्याख्या माने रखती है, और जिसके पास नॉलेज होगा वही व्याख्या कर पाएगा, बाकी के लिए तो भैया कुछ नहीं है। ठीक है, जय हिंद। मीठे पानी की झील और दूसरा जोग जलप्रपात का नाम गौर किस नदी पर बना है, वैसे आगे आप लोगों को मिलेगा। जय हिंद जय भारत।